अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं फ्रॉम माय फेसबुक ग्रुप, उनका भी वेलकम टू माय चैनल। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और जी, आप लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस भी बना ली और मेरी मामा ने चीज़ बनाने भी सिखा दी, तो मैंने कहा क्यों ना अब पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए। सारी चीज़ें तो तैयार हैं। आज मैं आपको इतनी जल्दी पिज़्ज़ा डो बनानी बताऊंगी ना कि कभी किसी ने नहीं बनाई होगी। जस्ट 15 मिनट्स में आपकी पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट। ओके जी, इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो बग़ैर हड्डी के गो चिकन, और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच नमक का, एक चम्मच ही भर के काली मिर्च का यानी ब्लैक पेपर का, आधा चम्मच इसमें डालना है लहसुन का पाउडर, और 1/4 यानी 1/4 टीस्पून, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें जाएगा अदरक का पाउडर, और 1 चम्मच भर के इसमें जा रहा है चिकन टिक्का पाउडर, और 1 चम्मच ही इसमें डाला है मैंने वाइट सिरका यानी सफ़ेद सिरका, और 1 चम्मच इसमें जा रही है चिली सॉस। अभी सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको मैं आधे घंटे के लिए तो कम अज़ कम छोड़ूंगी ना, आप ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, उतना ही ये मैरिनेट हो जाएगा अच्छे से। ओके जी, अब आ जाते हैं डो की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, ज़्यादा नहीं, जिस तरह का आप जाग नहीं लगाते दही को उस तरह का इसको गर्म करना है। और इसमें 1 चम्मच चीनी का डाला है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें टीस्पून जो है वो इसमें नमक का, और 1.5 चम्मच इसमें भर के मैंने यीस्ट के डाला। ये इतनी जल्दी डो तैयार होनी है ना कि तुसी सब ने वैसे ही हैरान परेशान हो जाना है। ओके जी, अब इसमें 1 चम्मच भर के डालना है मैदे का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको किसी कैबन में या ओवन में आप रख देंगे ताकि ना ये जल्दी से बबल अप हो जाए। तो जैसे ही बबल अप हो जाएगा, बस 10 मिनट में उसके बाद हमारी डो जानी है जी रेडी। और ये देखें, 15 मिनट के बाद ये मैंने इसको देखा था, तो ये बबल अप हो चुका है। अब हम इसके डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा 750 ग्राम्स यानी 1 किलो से थोड़ा सा कम लिया था मैंने, तो मैंने 3 पिज़्ज़े बनाए थे, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल के, 2 चमचे पर के ऑयल के बाद वो, और 1 इसमें जाएगा अंडा, एग। इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की डो बनती है ना, सच्ची बार बार कह रही हूँ, आप एक दफ़ा ट्राई करना प्लीज़। अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उनते कर दो। और अब जो हमने दूध तैयार किया हुआ था उसके साथ ही हमने जो है मैदे का वो गूंद लेना है। इसको थोड़ा सॉफ्ट ही गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं, जैसे रोटी के लिए तो हम थोड़ा सख्त गूंदते हैं ना, ये थोड़ा सा नरम ही होता है। और ये देखें, अच्छे से मैं इसको अब गूंद लूँगी। और कुछ व्यूअर्स जड़े हैं खुशकिस्मती नाल मुझे मिल गए हैं बार देवी, जिनको अगर मेरी लैंग्वेज की भी नहीं समझ आती तभी उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और उन्होंने कहा प्लीज़ आप ना लिख के बता दिया मेरे साथ, इसलिए इस दफ़ा ना मैंने लिख के बता दिया कि चलो उनको भी समझ लेंगे। वो इतने नाइस हैं, थैंक यू सो मच फॉर देम, कि उन्होंने ना, उनको ज़बान की भी नहीं समझ आ रही फिर भी उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और ये आटा मैंने गूंद के एक बाउल में निकाल लिया, और इसको ना मैं अब रखूँगी ओवन में, और ओवन को जस्ट 1 मिनट के लिए आपने चला देना है, और चला के 10 मिनट के लिए डो को छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपकी डो हो जानी है रेडी, और उतनी देर में, जितनी देर में 10 मिनट में हमारी डो तैयार हो रही है, हम जल्दी से चिकन को रेडी कर लेते हैं। जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको पैन में डाल के अब मैं इसका पानी कर लूँगी अच्छे से ड्राई। और जी ये देखें, इसका पानी हो रहा है ड्राई। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल के, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, फिर ना वो पिज़्ज़े में ऑयली ऑयल भागा फिर रहा होता है, तो ये थोड़ा ड्राई चाहिए, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इनफ है, अब कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और साथ ही मैंने ना पतीला रख दिया है प्री हीट होने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप रख दें, तो जितनी देर में हमारा चिकन रेडी होना है उतनी देर में पतीला हो जाना है गर्म। तो फटाफट देखे बन रहा है पिज़्ज़ा, और एक मैंने स्लाइस अनियन डाल देना है इस स्टेज पर, क्योंकि हमें ना वो अनियन जो है वो कच्चा वाला वो इतना नहीं अच्छा लगता। बस आपने ना लास्ट पे इसको चूल्हा बंद करने से पहले, जब आप हीट कमी होती है ना, तो इस स्टेज पे आपने बस अनियन डाल के तो उसको बस मिक्स कर लेना और चूल्हा कर देना है बंद। ये देखें, ऐसे हो जाने आपके अनियंस, क्योंकि कई लोगों को वो कच्चे हम लोगों को पसंद नहीं है, वो ना कड़वे से मुँह में आ रहे होते हैं। तो ये देखें, ये हमारी उतनी देर में डो कितनी अच्छी हो गई है, बबल अप बिल्कुल हो गया रेडी। अब मैं एक पेड़ा ले लूँगी, जितना भी हमारा पैन है पैन के अकॉर्डिंगली। तो अब थोड़ा सा पहले मैं इसको हाथ से बेलूँगी और फिर बेलन से बेलूँगी वाइट फ्लोर की मदद से। तो मैं इसको लगाती जाऊँगी मैदा साथ साथ ताकि ये चिपके नहीं।
और इसको करती जाऊंगी बड़ा। ये देखें डो कितनी सॉफ्ट है कि हाथ से ही बड़ी होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा बेलन से इसको राउंड शेप दे दिया है। कितनी अच्छी राउंड शेप बनाई है रोटी गर्ल, रोटी बन गई है। ओके जी, अब मैं पैन को कर लूँगी ग्रीस ऑयल के साथ। देखो पिज़्ज़ा बन बन के पैन बेचारा भी ना थक गया, एक्सपायर होने वाला हो जाया। ओके, अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है डो को पैन में, और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसने नहीं देखी वो जाके पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चेक करे, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी आई बटन में, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। तो ये देखें पिज़्ज़ा सॉस कितनी थिक बनी हुई है, और बाजार दी पिज़्ज़ा सॉस लगती पई है, अपनी तारीफ में आप ही करी जानी है। खैर अच्छा जी, अब ये जो होममेड चीज़ है, तो ये चीज़ की रेसिपी मैं इसलिए भी बना रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि मेल्ट नहीं होती, मेल्ट नहीं होती, कि बहुत अच्छे से मेल्ट होती है, हुनी तुहाडे सामने ये मेल्ट होनी है। वैसे भी हुन फ्री दी चीज़ है, तो पिज़्ज़ा हमने कर देना चीज़ो चीज़। पहले मैं नीचे नहीं लगाती होती थी क्योंकि बाजार की इतनी महंगी चीज़ आती होती थी, तो अब घर की चीज़ है तो चीज़ो चीज़। अच्छा जी, अब मैंने चिकन और जो प्याज है वो भी स्प्रेड कर दिए हैं, और शिमला मिर्च और टमाटर, या आपको कोई भी वेजिटेबल पसंद है आप लगा सकते हैं इस पर। साढ़े खोजे ही अवेलेबल सी, ओलिव्स भी मुक गए सी, ते मशरूम्स भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। कॉर्नस भी आप डाल सकते हैं बॉयल करके। कहिए, अब ऊपर से हम डाल देंगे चीज़, पिज़्ज़ा हो जाना है आज चीज़ और चीज़ हो जाना है होममेड चीज़ के साथ। मैंने ना थोड़ी सी इसमें घर में मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, फिर थोड़ी सी बस कट करके, ये देखें आपके सामने, बस थोड़ी सी डालनी है ऊपर से, क्योंकि मैं चीज़ टेस्ट कर रही थी ना, मैंने कहा पता नहीं सही ना बने तो पिज़्ज़ा ख़राब हो जाए तो घर की। लेकिन चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी मामा ने जो बनाई थी मेल्ट हुई है, तो बल्कि मेरा भाई बोल रहा था कि यहीं ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाली है, तो दूसरी चीज़ इतनी अच्छी। अच्छा ओके जी, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दूँगी। आपको पता है पिज़्ज़ा विदाउट ओरिगैनो नामुकम्मल है। और अब हम पतीले में रख रहे हैं पिज़्ज़ा, उसमें नीचे मैंने एक और स्टैंड रखे तो ऊपर से रख दिया था ये पिज़्ज़ा पैन, ये देखें। और आफ्टर 15 मिनट्स हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। इतनी इजी रेसिपी दे दी आप लोगों को, अभी भी आप ट्राई ना करें और लाइक ना करें तो बात तो बहुत बुरी है। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।